करके ले जाते हैं और कुछ बोलने से तुम्हारा बाप का है क्या बोलकर धमकी देते हैं। पुलिस को एक जगह सट्टा खेलने की जानकारी मिली है, इसी को लेकर हम पुलिस के गाड़ी के बिल्कुल पीछे मौजूद हैं और हम आपको चल के आज दिखाने वाले हैं कि लाइव किस प्रकार से जो है पुलिस सटोरियों पर कार्रवाई करती है। चलिए चल के देखते हैं। इस वक्त हमारे सामने जो है पुलिस की गाड़ी चल रही है, इनके पीछे पीछे जाएंगे और देखेंगे लाइव तस्वीरें किस प्रकार से पुलिस वालों के द्वारा जो है सटोरियों को पकड़ा जाता है। अब हम लोग इस मैदान में एंटर कर गए हैं। पुलिस को जानकारी मिली थी कि इसी लाल चर्च वाले जो ग्राउंड पे हैं अब सटोरी सट्टा खेलते नजर आ रहे थे। देखिए यहाँ से देख सकते हैं राइट कॉर्नर, ओ देखिए यहाँ यहाँ पर जो है कुछ लोग दिख रहे हैं, ये रहे यही होंगे वो सटोरी साथ। अब देखिए भागना शुरू कर चुके हैं, अब देखिए भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, देखिए 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 किस प्रकार से भाग रहे हैं। चल चल जल्दी उतरिए जल्दी उतरिए। अब हम उतर के आपको नीचे से दिखाने कोशिश करते हैं यहाँ से। अब ये देख सकते हैं ये सामने TI साहब, ये जो दिख रहे हैं हमारे सामने ये TI साहब हैं, इनके द्वारा पकड़ा गया है। ये देखिए इस प्रकार से जो है ये भागने की कोशिश करते हैं। ये देखिए इनको कैसे दबोचा गया है। ये आपराधिक कृत्य करने से घबराते नहीं है ऐसे खुले मैदान में, देखिए ये देखिए देखिए इस प्रकार से जो है पुलिस साहब के द्वारा पकड़ा गया इन्हें। और इस और देख सकते हैं कुछ लोग भागते हुए आपको नजर आ जाएंगे। ये देखिए इतनी तेज़ी से भाग रहे हैं, ये कांटा तार पर फांद के भाग गए हैं। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं इस और सब भाग चुके, एक और देख सकते हैं यहाँ पर लेके आ रहे हैं हवलदार साहब के द्वारा, एक और व्यक्ति को पकड़ा गया है, ये इन्हें ला रहे हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पर लगातार इस प्रकार से जो है सटोरी बैठे हुए होते हैं, पुलिस की कार्रवाई बहुत जरूरी हो जाती है ऐसे क्षेत्रों में। ऐसी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमें जानकारी मिली कि पुलिस वाले जो है किसी प्रकार कार्रवाई करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर देखिए TI साहब हमारे सामने खड़े हुए हैं, अपराधी को पकड़े हुए। ये इसलिए अपराधी कर रहे हैं हम क्योंकि ये जो है खुले जगहों पर इस प्रकार से सट्टा वट्टा खेलने का काम करते हैं, लूडो जो होता है उसके भी जो है लेकर के ये लगातार खेल रहे होते हैं, पैसा लगा करके बाद में जो है लड़ाई झगड़ा वाला माहौल बन जाता है। यहाँ पर कुछ स्थानीय मौजूदा लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये जो ये क्या समस्या है यहाँ पर, ऐसी ताश खेलना क्या क्या समस्या यहाँ बनी रहती है? ताश खेलते हैं, दारू पीते हैं, गांजा चिलम हम लोग भगाने के बाद भी नहीं भगते, तुम्हारा बाप का जमीन है क्या जैसे बोलते हैं। हम लोग के सामने घर है वहाँ बनाए हैं, भारी मौजूद है, इनसे हम जानेंगे। सर ये पूरा वाक्य क्या था यहाँ पर, जो अभी आप लोग की रेड पड़ी है ये बताया जा रहा है इनके द्वारा कि काफी ज्यादा परेशानी नहीं होती है उन आपत्तिजनक लोगों से? असल में होता क्या है कि ये इन्हीं के मोहल्ले के लड़के लोग हैं जो, और अभी जैसे सूचना मिली थी कि यहाँ जुआ खेल रहे हैं तो तत्काल जो भी बल था मेरे साथ मैं उनको तत्काल लेके पहुंचा हूँ और आपके सामने ही हुआ है जो भी है कैसे भागते हैं ये लोग। एक्चुअल में ताश से नहीं खेल रहे थे लोग, मोबाइल से लूडो खेल रहे थे और लूडो में ही ये लोग जो है हार जीत का दाव लगाते हैं। अच्छा, ये जो बच्चे जो खेलते हैं लूडो उसको इन्होंने जो है जुआ का एक जरिया बना लिया क्योंकि उसमें बेट लगा लेते हैं, बेट लगाते हैं तो ये जो आजकल ये लोग चलन चला लिए लूडो में। तो जितने भी बच्चे जो है ये सब मोहल्ले के ही लोग हैं। अभी जैसा उसका मोबाइल है तो लड़की बोल रही मेरा मोबाइल लेने आ गए, तो उसी का कोई भाई वाई होगा जो मोबाइल से लूडो खेल रहा था। तो इस प्रकार का कृत्य यहाँ पर किया जा रहा है। सर इनका कहना है कि आए दिन इस प्रकार के वारदात हो रही है, बड़े परेशान ये रहते हैं, तो ऐसे में पुलिस की कार्रवाई तो बहुत जरूरी होती है। तो लगातार प्रयास करते रहती है क्योंकि मोहल्ले के लोग रहते हैं, अभी इनको पकड़ के ले जाऊंगा तो पूरा मोहल्ला ही अभी आ जाएगा उनको छुड़ाने के लिए। और अभी कंप्लेन जरूर कर रहे हैं लेकिन अभी थोड़ी देर बाद देखिएगा कि इन्हीं के घर परिवार के आजू बाजू वाले सब आ जाएंगे। तो मोहल्ले के लोग रहते हैं, मोहल्ले वाले मना करते नहीं है, जब पुलिस ऐसा कुछ करती है तब ये सामने आते हैं कि नहीं हम तो बोलते हैं, हम तो बोलते हैं। तो ये सब कुछ देखिए देखिए जो पुलिस अपनी ईमानदारी से काम जब करती है तो बाद में जनता ही उसका विरोध करने लगती है, लेकिन जो है आपराधिक कृत्यों को रोकने के लिए पुलिस किस प्रकार कार्रवाई जरूरी है क्योंकि यहाँ पर अगर कोई दाव लगाता है, पैसे का दाव लगा के यहाँ अगर खेलता है, उनके बीच में अगर झगड़ा हो जाए तो आप समझ सकते हैं कई ऐसे वारदात हुई है जहाँ पर पैसे के लिए मर्डर तक हो जाता है, छोटी छोटी चीजें ही आगे चल करके बड़ी बनती है ना। तो ये पूरी लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है। नमस्कार, मैं दिलीप।